नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। तीन चार अपडेट हम बात करेंगे कि भाई सऊदी की फ़्लाइट के बारे में बात करेंगे, सऊदी में कुछ गलत हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, सऊदी सरकार ने महिलाओं में किन किन लोगों को छूट दी है, किन किन महिलाओं को छूट मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ, तो डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। सऊदी की आपको सबसे पहले फ्लाइट का ही इंतजार है, सब लोगों को फ्लाइट का इंतजार है। पिछले डेढ़ महीने से लोग ये मान लो हालात खराब हैं, हालांकि सरकार बोलती है हम वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन वीज़ा एक्सटेंड करने से कुछ नहीं होता भाई। पैसा तो एक्सटेंड नहीं हो रहा ना, वो तो डाउन ही जाता जा रहा है। तो दिक्कत हर इंसान को, प्रॉब्लम आ रही है, हर इंसान ये चाहता है कि फ्लाइट हो जाए। अब यार कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन करना चाहिए सरकार को, इंडियन सरकार का दबाव पड़ना चाहिए सऊदी सरकार के ऊपर कि भाई हमारी फ्लाइटें स्टार्ट करो, कम से कम जैसा दुबई ने स्टार्ट किया कम से कम ऐसा ही कर दो यार। चलो 100% नहीं तो कम से कम 40% फ्लाइटें तो स्टार्ट हो कि जो लोग छुट्टी आके बैठे हैं वो तो कम से कम रिटर्न हो जाए, उनको तो कम से कम रोजगार लग जाए। हालांकि इस मैटर पे बता दूं, सरकार ने 4 अगस्त को संसद में पहली बार इस पे आपस में बहस हुई थी, एक मुद्दा उठाया गया था संसद, अपर इंडिया संसद की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है जी, दिल्ली संसद की। 4 अगस्त को इस मैटर को, मुद्दा को बड़ा थोड़ा उछाला गया था कि भाई सऊदी की फ्लाइटें पिछले 1.5 साल से बंद हैं और हम लोग ऐसी दुनिया बैठी है, उनका कुछ समाधान होना चाहिए। हालांकि मुद्दा ही उछला है, फ्लाइटें उछली नहीं है, वो तो अटक ही बैठी है, वहीं की वहीं पड़ी है, समझ रहे हो बात को। हालांकि शुरुआत हुई है 4 अगस्त से, सरकार के बीच में मुद्दा उठा है तो भाई विदेश मंत्रालय से या विदेश मंत्री के द्वारा कुछ आपस में कम्युनिकेशन होगा, बातें होंगी, तो उम्मीद है कि अगस्त में कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है सऊदी अरबिया से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड अगर बात करें तो। जी हाँ, क्योंकि भाई सऊदी अरबिया के लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में बैठे हैं, फ्लाइटें बंद हैं, फ्लाइटों को लेके कुछ नई ये ही अपडेट है। सच्चाई की बात यह है कि सरकार ने अभी 4 अगस्त को इसमें मैटर में बातचीत की है, तो उम्मीद है कि भाई इतना जल्दी तो देखो 2-4 दिन में नहीं होता है, हो सकता है 5-10 दिन लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू है कि भाई सऊदी सरकार कुछ हद तक फ्लाइटें स्टार्ट कर दें, चाहे वो जितना दुबई ने व्यू नहीं किया उतनी कर दें। जी हाँ, ये अपडेट है भाई। बाकी लोग जा रहे हैं थर्ड कंट्री, मालदीव के द्वारा या फिर कतर के द्वारा, थर्ड कंट्री के द्वारा जो 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करके रिस्क लेके पहुँच रहे हैं। हालांकि कई लोग जा भी रहे हैं, कई लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, लोगों को डर लगता है नहीं जा पाते, वो अलग इश्यू है। जी हाँ भाई, मैं तो ये बोलूँगा जिनके वीज़ा में एक्सटेंड हो रहे हैं या टाइम है तो आप थोड़ा वेट कर ले अगस्त का, क्योंकि अगस्त का एक प्लस पॉइंट ये है कि अगस्त में अगर तीसरी लहर नहीं आई अगस्त इंडिया में और कोविड वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, यानी लोगों को आंकड़े घट रहे हैं वैक्सीनेशन, रोज 40 लाख इंडिया में भी टीके लगे जा रहे हैं, तो उम्मीद है अगस्त में कंट्रोल हो जाएगा। तो भाई आंकड़े अगर 30,000 के करीब आ गए ना, 100% अगस्त लास्ट में फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं दुबई की, सऊदी अरबिया या सभी कंट्रीज़ की, एक मान सकते हैं आप। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो भाई सऊदी में कुछ इलीगल, यानी बोलते हैं ना समाज संकट, इंडिया में भी ऐसा लोग होते हैं, सब जगह होते हैं, कुछ प्रवासी थे जो इंडिया, हालांकि देखिए गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं कि बहुत कम लोगों रियर चांस में ना ओपन करती है उनकी नेशनलिटी। अब ये लोग इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे या बांग्लादेश के थे नहीं पता, लेकिन बता दूँ ये लोगों ने इतना हरामीपन दिखाते हुए इतना घटिया काम किया है सऊदी अरबिया में। अप्रवासी थे, इलीगल लोग थे जो एक टूटी फूटी जगह पे रह रहे थे काफ़ी टाइम से, 10 टन ब्रेड, जी हाँ ब्रेड बना ली और छत पे सुखा भी दी। आप सोच सकते हैं ट्रेन ब्रेड क्या होता है, अब आप बोलोगे यार ब्रेड बना ली तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया, बिल्कुल भाई गुनाह कर दिया। बता दूं सन ट्राइब में रहते हैं तो सन ट्राइब का नाम सुना होगा, जिसको महफूज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सेम उसी की तरीके से बना लिया, और बनाने का तरीका देखिए, इंजन ऑयल, गाड़ियों का जो ऑयल होता है ना उसमें डाल दिया जी, उससे बनवा लिया। हालांकि वो तेल महंगा आता है, नॉर्मल तेल से भी वो तेल महंगा है, पता नहीं लोगों ने क्यों बनाया। सस्ते तेल से तो दुनिया बनाती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन ये इंजन ऑयल तेल से बना लिया, तो मुझे जहाँ तक डाउट है भाई इंजन तेल इनका चुराया हुआ तेल था, इनके पास पैसे का तेल नहीं था, वो फोकट का तेल था, उसमें डाल के, और बताओ ये मनपुस है जो खाने का टोस होता है जो ब्रेड बोलते हैं, वो उनको पका लिया और छत पे सूखने के लिए डाल दिया गया था। काफ़ी आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से इनकी किसी ने जांच उनकी सूचना दे दी खुफिया, तो उनको पुलिस ने छापा मार के सब लोगों को पकड़ लिया गया, तो देखा कि वहाँ पे जो ये तेल होता है ना इंजन ऑयल, ये महंगा भी होता है जहरीला भी होता है, ये इंजन के लिए अच्छा होता है भाई, इंसान इंजन ऑयल थोड़ी खा सकता है यार, ऑयल होता है जो गाड़ियों में डलने वाला, क्या वो इंजन ऑयल खा लेता है, इंसान नहीं खा सकता ना, एकदम जहरीला होता है वो। जी हाँ,
उससे और बेसवाद भी होता है, फिर भी ये लोग ये मनफूस ब्रेड थे ये बना रहे थे, काफ़ी संख्या में बना रहे थे। पुलिस ने इनके गैस पाइप स्टोव आटा और अलग अलग जो कलर उसमें डालने वाले थे इन सबको जब्त कर लिया है और पुलिस उनको हवाले कर दिया। लंबे टाइम के लिए जाएंगे भाई, चाहे अब ये इंडिया के हैं चाहे दूसरे देशों के हैं, अभी तो इस बातों का नहीं पता। जी हाँ, आगे बता दूं भाई, सऊदी सरकार ने एक बड़ी अपडेट देते हुए एक बड़ी अपडेट महिलाओं के पक्ष में डाली। आपको पता है भाई, वर्ल्ड में सबसे इस्लामिक कट्टरता के मामले में यानी कानून बड़े सख्त, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कानून कट्टर कानून है, एकदम सख्त कानून। लेकिन उनको बता दूं, वहाँ के जो सलमान हैं, यंग जनरेशन का बंदा है, वो 2030 को देखते हुए महिलाओं के जो कानूनी अधिकार उसमें धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। आपको सबको पता है, ढील देते जा रहे हैं। 2016 में ड्राइवर से रिलेटेड महिलाओं को छूट मिल गई थी। जी हाँ, उसके बाद में महिलाओं को वहाँ पर आर्मी में भी रखा गया, आप सबको देखा होगा, पुलिस में भी भर्ती किया जा रहा है, या फिर अलग अलग जगह जॉब के लिए भी उनको जगह दी जा रही है सऊदी की महिलाओं को। जी हाँ, और अभी उन्होंने बोल दिया है भाई, बिना इजाज़त के सऊदी की महिलाएं अपना पासपोर्ट बना के किसी भी देश की वो यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए पहले पुरुष का एक परमिट होता था, उस इजाज़त पत्र जिसको बोल सकते हैं, वो भरने के बाद ही वो महिला देश के बाहर जाती या पासपोर्ट बनवा सकती थी। लेकिन अभी ये छूट उनको मिल गई है इसी महीने में, अगस्त की अगर बात करें तो सरकार ने छूट दे दी है कि भाई कोई भी महिला किसी भी प्रकार की जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है वो अपना पासपोर्ट बनवा सकती है, अपने बच्चे का जन्म डेट वगैरह या फिर तलाक के कोई भी डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करवा सकती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। बच्चों की शादी, तलाक का पंजीकरण के अधिकार वगैरह सब उनको मिल गए हैं। जी हाँ, मैं पुरुष की इजाज़त की अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक महिलाओं के प्रति एक उनका एक ढील देना जिनको बोला जा सकता है। हालांकि आने वाले समय में और भी महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में जितने अधिकार महिलाओं को अलग अलग देशों में मिल रहे हैं ना, उतना अधिकार महिलाओं को सऊदी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दो चार अधिकार अभी दिए गए हैं पिछले एक दो साल में, और आगे आने वाले समय में और भी अधिकार मिल सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, सऊदी से रिलेटेड। बाकी भाई फ्लाइटों का अभी तक बता दिया मैंने, बस सच्चाई यही है कि 4 अगस्त को सरकार ने संसद में इस मैटर में मीटिंग बातचीत हुई है, अभी सरकार के साथ सऊदी सरकार के साथ बातचीत होगी। उम्मीद करते हैं भाई अगस्त लास्ट तक अगर फ्लाइट स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।